भैया तुम्हारा वक्त आ गया कि हम तुमको चीर फाड़ के छील कौवों को खिला दें। दिस इज व्हाट द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैज कमांडेड अस। देखो रमजान, Assalamu alaikum guys, this is Zakir Nadeem, you're watching me on channel and Khan and back again with a brand new vlog. So guys, this video gonna be a lot more different as compared to my previous vlogs. Just because of the reason, this is a unboxing video. For the first time, I'm doing an unboxing video on my channel. इससे पहले भी मैं online shoppings बहुत किया हूँ और technically मैं हर दो महीने में phones भी अपने बदलता हूँ. मैं उनकी कितनी unboxing videos डालता, फिर मैं accessories खरीदता रहता हूँ. But उनका अभी तक मैंने कोई video बनाया नहीं. मैं ये सोचता था कि क्यों कोई किसी को क्या interest होगा मैं क्या खरीद रहा हूँ क्या पहन रहा हूँ. कुछ महीने पहले की बात है, one of my subscribers commented on my channel. He wanted me to make lifestyle vlogs. So I was like, जो मैं खुद करता हूँ आपके सामने share करता हूँ. I'm already into this scene, but I think he was demanding something else. वो कुछ और चाह रहे थे भाई साहब. अभी मुझे realize हुआ what he actually meant. So the time is come. आज मैं उसी से related एक video बनाने वाला हूँ. I hope आपको पसंद है. ये सिर्फ total unboxing नहीं होगी, इसमें मैं आपको कुछ ऐसी भी चीजें share करूँगा, tips and tricks, जो आपके लिए भी आगे इंशाल्लाह काम आएगी, फ्रूटफुल रहेगा. सबसे पहले तो जो मैंने ये पैकेट मंगाया है, इसको अनबॉक्स नहीं, इसको अनपैक करेंगे, क्योंकि इसमें बॉक्स जैसा कुछ है नहीं. क्या बताऊं, यही मेरा एक यूनिवर्सल टेबल है जिसका मैं इस्तेमाल हर चीज के लिए करता हूं. सो बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, आई नीड टू डू सम काइंड ऑफ अल्टरेशंस. नाउ आई थिंक देयर इज इनफ एम्पल स्पेस ऑन माय टेबल. दिस इज फ्रॉम मिंत्रा और H&M ब्रांड का, हैंसन मॉरिट्स का है. इसको फाड़ने के लिए सबसे पहले जो हमें औजार की जरूरत है वो है चाकू. आज हम तुम्हें चीर फाड़ कर चील कौवों को खिला दें. छुरी को हमें यूं लगाना है. बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर. क्या यार, ट्रस्ट मी, मैं तो इसी से आलू प्याज टमाटर सब काटता हूँ, कट जाता है. ये क्यों नहीं कट रहा है? व्हाट द हेल इज दिस? कड़कड़ाहट देख रहे हैं इसकी? सारी चर्बी इसकी गला दूंगा मैं. फाइनली बड़ी मशक्कतों के बाद हमने इसको हलाल कर दिया. रायता फैल चुका है, हम इसे निकालते हैं धीरे धीरे. क्या आपको याद है जब आप समोसे वाले की दुकान पे जाते हो, भैया समोसे दे, कागज का एक पैकेट में समोसे देता है. H&M वाले भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं. फूड वेंडर्स इंस्पायर्ड हैं, स्ट्रीट फूड वेंडर्स. कोई बॉक्स ही नहीं देते हैं. इससे पहले भी मैंने H&M के बहुत सारे माल मलीदे मंगवाए हुए, उसमें भी उन लोगों ने ऐसे पैकेट में मुझे माल मलीदा पकड़ाया हुआ. इससे पहले जब मैंने H&M से कुछ ऑर्डर किया होता तो उसमें एक स्वेट चेल्सी बूट्स था और एक जैकेट थी, ट्राउजर था. उसको आप जानते हैं किस चीज में उन लोगों ने मुझे भेजा हुआ था? इतने बड़े से खतरनाक से डब्बे में. असल में इसमें सामान पड़ा हुआ, मैं उसको खाली नहीं करना चाहता. द ओनली टाइम आई रिसीव द बॉक्स फ्रॉम H&M साइड इज दिस टाइम. इसके अलावा कभी भी हमको डब्बा नहीं मिला H&M मॉलों की तरफ. अनबॉक्सिंग का सारा मजा खराब. यूरो जद्दोजहद जारी रहेगी दोस्तों, हम लड़ते रहेंगे. ये इसका इनवॉइस. फाइनली आपके सामने सफेदी की चमकार. ये इसके चौड़े चौड़े सोल्स. इससे पहले मेरे कॉन्वर्स के थे स्नीकर्स, वो भी कैनवस वाले. उसमें पीछे यहाँ पे ब्रांडिंग थी, मगर H&M मॉलों के यहाँ पे कोई ब्रांडिंग ही नहीं है, सिर्फ यहाँ नीचे देते हैं. ये देखिए मेरे पुराने कॉन्वर्स के स्नीकर्स हैं, ये फट भी गए साइड से. इसको मैंने 2018 में लिया होता. इसमें पीछे यहाँ पे ब्रांडिंग दी हुई है. ये मैंने अभी कुछ महीने पहले ही, ये भी H&M के ही है. ये स्वेट चेल्सी बूट्स हैं और ये मेरे फेवरेट हैं. इसमें भी कहीं पीछे ब्रांडिंग वगैरह नहीं दी हुई, एकदम सिंपल. These are my NBA sneakers. और ये बहुत चला है, मैंने इसको लिटरली बहुत ज्यादा पहना है, क्योंकि इनको पहनना बहुत आसान है. मतलब ये हाई टॉप नहीं होते हैं तो मुश्किल नहीं होता है पैर में पहनना. Now coming to the बातचीत which I wanted to have with you guys. If you ask me, why I always prefer high top sneakers over regular ones or the mid top sneakers, just because of the reason they can go with any kind of dress you wear. अगर मैं high top sneakers पहन रहा हूँ, you know there's a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. इज़ार जो कपड़े जो होते हैं टखनों के नीचे होते हैं, trousers, लुंगी, कुर्ते का पजामा, anything you wear, अगर वो आपके टखनों के नीचे हैं तो वो बंदा जहन्नमी है. It's a kind of pride which you carry. अगर आप कितना भी बोल लो कि मैं intentionally ऐसा नहीं कर रहा हूँ, but रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी की नीयत साफ हो सकती है, बट फिर भी वो करते, लोगों को बोलते भी थे करने के लिए. दैट मींस कि इतनी फर्ज चीज तो हमें भी करना जरूरी है. टखनों के ऊपर आपके ट्राउजर्स हैं या इजार हैं, रेगुलर वाले शूज भी अच्छे लगते हैं, लिटरली दे कैन गो विद दैट. बट हाई टॉप स्नीकर्स का क्या रहता है मामला, ये ज्यादा कूल लगते हैं मेरे हिसाब से. ऐसा नहीं है कि मैं कोई फैशनिस्टा हूं, ऐसी एडवाइस दे रहा हूं जिस पे आप सबको एक्सेप्ट करना आपके ऊपर वाजिब हो गया, ऐसा नहीं है. मैं अपना बस एक पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि ये ज्यादा बेहतर लगते हैं मेरे हिसाब से. पहली चीज तो हो गई कि मैं हाई टॉप स्नीकर्स इसलिए पहनता हूं. इससे पहले भी मैंने जितने शूज लिए हुए ज्यादातर वो हाई टॉप स्नीकर्स ही थे. दैट्स व्हाई आई बॉट दीस पेयर ऑफ हाई टॉप स्नीकर्स. सेकंडली एक मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में, उसका जो मकसूद है टखनों के ऊपर ट्राउजर्स पहनने का वो है कि आपके टखने दिखने चाहिए. एंकल होते हैं उसके नीचे का जो पार्ट है, मतलब टो जो है ना, वो नंगा होना चाहिए. तो ये बहुत बड़ा आपका मिसकंसेप्शन है, ये बहुत गलत फहमी है. मुझे भी थी आज से एक या डेढ़ साल पहले तक, मगर मेरी अम्मी ने इसको क्लेरिफाई किया कि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टखनों के ऊपर पैंट पहनाने का मकसूद ये नहीं था टोस को जो है नंगा करके घूमना, रेदर आपके कपड़े जो है ऊंचे टंगे हुए रहने चाहिए, नीचे नहीं घिराने चाहिए. दैट्स इट. जूते आप पहनो चाहे हाई टॉप स्नीकर्स या फिर इतने ऊंचे पहन लो कि वो
यहाँ तक आ जाए. That doesn't matter. The only thing which matters is the trousers. They should be above your ankles. This is what the Prophet peace be upon him has commanded us. So I hope आपका एक misconception जो है clear हुआ होगा कि अगर high top sneakers है तो हमारे टखने उससे ढक जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं. Pant से, trousers से टखनों को ढकना problem है. नीचे अगर कोई चीज पहने हो उससे ढक रहा है, that doesn't matter. Now the last and the most important point which I wanted to make clear with you guys is to know what kind of sneakers you actually need instead of what kind of sneakers you actually like. Because the practicality demands we need to go for the things which we actually need rather than what we like or what we want. If you have these kind of sneakers, these regular ones, these are very much easy to wear. I don't even need to untie the laces. पीछे से हाथ लगा और ये बड़े आराम से चले गए. Same यही case है इन Chelsea boots के भी साथ. ये बस आपने pull loop को पकड़ के खींचा and they are ready to go. 1 second के अंदर you can wear them very quickly. But this is not the case with these kind of sneakers. इनमें इतने laces होते हैं which you need to tie in proper order. Otherwise ये बहुत ही uncomfortable से feel होते हैं. मैं इसको सिर्फ classes करने के लिए पहनता ही था. अगर मुझे 4-5 घंटे के लिए पहनना था तब मैं इनको पहनता था. अदरवाइज ये भी उस वक्त थे मेरे पास तो इन्हीं को मैं ज्यादा पहनता था कि अगर मुझे कहीं जाना चाय के लिए या कहीं घूमने के लिए जाना तो, क्योंकि ये बहुत आराम से इनको पहन लो. दे आर इजी टू गो. आप पहन के निकल जाओ. 4 से 5 मिनट चाहिए इनको पहनने. दे आर नॉट वेरी मच इजी टू गो. जब मुझे कहीं ऐसी जगह पे जाना था जहां पे मुझे बार बार निकालना ना पड़े तो मैं इसको पहनता था. यू बेटर बाय दीस काइंड ऑफ स्नीकर्स और दीस काइंड ऑफ चेल्सी बूट्स यू आर नॉट मच इनटू टाइंग एंड टाइंग शू लेसेस बट दीस दे डैम रिक्वायर. आई थिंक मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा कि आपको किस टाइप के स्नीकर्स लेने चाहिए. जो मैंने अपने नए वाले स्नीकर्स मंगवाए हुए हैं उसमें भी वही एक ही प्रॉब्लम है. यू नीड टू हैव सो मच ऑफ पेशेंस व्हेन यू आर अबाउट टू फास्टन द शू लेसेस. दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस. ये बात आप अपने ध्यान में रखिएगा बिफोर यू गो नाउ बाय दीस काइंड ऑफ स्नीकर्स. इस व्लॉग को मैं एंड करता हूं यहीं पे. इसको एंड करने से पहले मैं आपके सामने एक हदीस पेश करना चाहूंगा जो कि सही मुस्लिम के, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला हुआ है, जिस किसी बंदे के दिल में जो है राई के दाने के बराबर भी किब्र होगा, घमंड होगा, तकब्बुर होगा, वो बंदा जहन्नमी. तो सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जो है मतलब अच्छे कपड़े अच्छे जूते पहनने का शौक है तो क्या ये भी तकब्बुर में आता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, नहीं, अल्लाह खूबसूरत और उसे खूबसूरती पसंद है. तकब्बुर वो होता है कि कोई हक बात कोई बताए और उसे हम एक्सेप्ट ना, उसके सामने से मुंह ऐसे टेढ़ा करके निकल जाए, वो तकब्बुर होता है, वो घमंड होता है. अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई चीज आप अच्छा पहनना पसंद कर रहे हो तो वो घमंड या तकब्बुर नहीं. बस उससे आप किसी को जलाओ मत, किसी को सामने जताओ मत. तो मिलते हैं एक नई वीडियो में. टिल देन टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम. आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मुझसे पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह. और हाँ, हमने अपने नए जूते के साथ चंद तस्वीरें ली हैं जिसे हम आपके सामने साझा करना चाहते हैं. तो देखकर बताएं आपको कैसे लगे हमारे नए जूते.